An Academy. Let's crack it. दोस्तों, आज मैं एशियन गेम्स के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट और हॉट फैक्ट्स शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विश्व गुरु रहा है। जी हाँ, एशियन गेम्स का विचार पहली बार भारत ने ही दिया। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य थे गुरुदत्त सिंह सोंधी, उन्होंने ही पहली बार ये राय दिया कि 9 स्वतंत्र देशों का एक अपना आयोजन होना चाहिए, जैसे कि कॉमनवेल्थ या वर्ल्ड कप का होता है, सिर्फ एशियन देशों का, जिससे ये आपस में मिलें, इंटरैक्ट करें और आपसी संबंध मजबूत हों। बस फिर क्या था, उसके बाद भारत ने तैयारी शुरू कर दी और 1951 में पहला आयोजन भारत में ही हुआ, दिल्ली में। इसके बाद से हर 4 सालों पर इसका आयोजन होता रहा और उसी क्रम में इस बार 19वां आयोजन चीन के हांगझाऊ में हुआ। तो ये चीन में 4th आयोजन था। इसके पहले चीन में 2 बार बीजिंग में, 1 बार ग्वांगझू में और हांगझाऊ में ये 4th हो गया। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो चीन सबसे ज़्यादा बार एशियन गेम्स का आयोजन करने वाला देश बन चुका है। अब बात करते हैं मेडल्स की, कि पदक तालिका में नंबर 1 पर कौन है, टॉप 5 में कौन है। तो नंबर 1 पर चीन है, दूसरे पोजीशन पर जापान, तीसरे पोजीशन पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया और चौथे पोजीशन पर है भारत। भारत की बात करने की थोड़ी जल्दी थी मुझे, तो भारत 4th पोजीशन पर है और ये अपना पहला ब्रेक तोड़ चुका है। कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। तो भारत लगातार इंप्रूव कर रहा है और वो दिन दूर नहीं जब हम पहले पोजीशन पर भी होंगे। अब बात करते हैं कि भारत में किस कैटेगरी में कितने मेडल्स आए। तो इसमें सबसे ज्यादा जो गोल्ड मेडल्स आए हैं वो शूटिंग में आया है, कुल 7, वैसे कुल 22 मेडल्स हैं सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलाकर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कैटेगरी में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। तो कुल ज्यादा गोल्ड जीतने वाला तो शूटिंग रहा कैटेगरी, और सबसे ज्यादा मेडल्स झटकने वाला कौन सा कैटेगरी है, तो वो है एथलेटिक्स। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलाकर कुल 29 मेडल्स एथलेटिक्स लेकर आए हैं भारत के। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में गोल्ड लेकर आए हैं। अब टीम वाइज अगर हम लोग बात करते हैं मुख्य मुख्य खेलों की, तो क्रिकेट जिसका फैन आपको भारत के हर घर में मिल जाएगा, इस बार महिला और पुरुष दोनों श्रेणी में, दोनों कैटेगरी में गोल्ड आया है। महिला क्रिकेट, जिसको बहुत दिनों तक लोगों ने सीरियस नहीं लिया, इस बार उन्होंने अपने प्रदर्शन में दिखा दिया। तो क्रिकेट में गोल्ड इन बोथ कैटेगरी। इसी तरह अगर कबड्डी की बात करें तो कबड्डी में भी दोनों ही कैटेगरी में, मेंस एंड विमेंस, गोल्ड आया है। हॉकी, जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, हॉकी में मेंस कैटेगरी में गोल्ड आया है, फीमेल कैटेगरी में ब्रॉन्ज आया है। और टेनिस और बैडमिंटन की बात करें तो सिल्वर आया है मेंस में। इसमें अलग अलग श्रेणियां हैं, बहुत डिटेल में आप अगर देखना चाहते हैं तो आपके साथ पीडीएफ शेयर हो चुका है। मैंने एक सेशन लिया था, उसमें पीडीएफ शेयर हो चुका है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। ऐसे ही अलग अलग सेक्शन में मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स
शेयर करती रहूंगी। आप जुड़े रहिए विद लेट्स क्रैक यूपीएससी हिंदी विद रिंकू लाइव। थैंक यू अन अकेडमी। लेट्स क्रैक इट।